पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने मंगलवार को जन जागरण रथ को हरमू स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एलईडी स्क्रीन से युक्त वैन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले जन जागरण पदयात्रा में लोगों को वीडियो के माध्यम से सरकार के वादे और हकीकत से रूबरू कराएगी। मौके पर सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड के बहुमूल्य 5 वर्षों को बर्बाद किया है। विकास की राह पर अग्रसर झारखंड को इन्होंने अपनी गलत कार्यशैली से पीछे धकेल दिया है। झूठे वादे कर सत्ता में बैठे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कितने वादे पूरे हुए। 5 साल तक की जाती रही जनता के साथ धोखाधड़ी का यह मूल्यांकन का समय आ गया है। जन जागरण पद यात्रा के माध्यम से हम राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार की नाकामियों के बारे में लोगों को बताएंगे। चुनाव का बिल्कुल भुकने वाला है और चुनाव की तैयारी है और वर्तमान में जो जन जागरण अभियान का उद्देश्य है कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया गया, जो एक भी वादा नहीं पूरा किया गया, उन सारे विषयों को लेकर हम लोग सरकार के विरुद्ध में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विरुद्ध में लोगों के बीच में जाएंगे और यह लोगों को जगाएंगे, लोगों को संदेश देंगे कि ये सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है और जिस प्रकार वादा खिलाफी 5 साल जो वादा करके जो मुकरे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, इस तरह से कई एक विषय हैं जो इनके द्वारा नहीं किया गया और फिर से झूठा वादा, फिर से चुनाव आ रहा है तो फिर से झूठा वादा करके लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए इस जन जागरण के माध्यम से हम लोग हर एक गाँव तक, हर एक पंचायत तक हम लोग जनता के बीच में पहुँचेंगे।